हेलो फ्रेंड, तो आज की स्टूडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 11th की स्नैपशॉट का चैप्टर 4 एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, जिसके लेखक हैं पैट्रिक प्रिंगल। अब हम इस पूरे पाठ की समरी को समझते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को विश्व का सबसे प्रतिभावान भौतिक विज्ञानी माना जाता है। यह पाठ उन परिस्थितियों का विवरण देता है जिनके कारण आइंस्टाइन को जर्मन स्कूल से निकाल लिया गया था। एक बार इतिहास शिक्षक ने आइंस्टाइन से पूछा कि किस वर्ष में प्रशियन सेना ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित किया था। अब बालक को उत्तर की जानकारी ना थी, उसने स्वीकार कर लिया कि उसे तिथि याद रखने में रटने में कोई रुचि नहीं है। उसने कहा, मेरी समझ में याद रखने की कोई उपयोगिता नहीं है, उन्हें पुस्तक में कभी भी देखा जा सकता है। उसने जैसे ही यह कहा, अब जो उनके टीचर थे मिस्टर ब्राउन, यह सुनकर छड़मक के लिए मूक रह गए, एकदम अद्भुत आश्चर्यचकित हो गए। फिर वह बोले, यह नियम तो स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के तथ्यों पर लागू हो सकता है। आइंस्टाइन ने निर्भीकता से कह दिया, बिना डरे कह दिया कि तथ्यों को रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। उनके अनुसार तथ्यों को रटना वास्तविक शिक्षा नहीं है। शिक्षक ने फिर व्यंगपूर्वक बालक को कह दिया कि तुम अपनी शिक्षा का सिद्धांत समझाओ। बालक बोला, तारीखों को रटना तो समय बर्बाद करना है। मैं स्वयं तो यह जानना चाहूँगा कि वे सैनिक एक दूसरे की हत्या क्यों करते हैं। शिक्षक के क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा कि तुम स्कूल के लिए बदनामी के दाग हो, ऐसे कृतज्ञ छात्र को अपने ऊपर शर्मानी चाहिए। मिस्टर ब्राउन ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम अपने पिता से कहो कि वह तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाए। आइंस्टाइन बहुत खिन्न हो गए, गुस्सा आ गई उनको। वह स्वयं ही उस घृणित स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते थे, पर वह यह भी जानते थे कि उसके पिता उस पर दबाव डालेंगे, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता के पास पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। उन्होंने तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को म्यूनिक के एक छोटे से सस्ते से कमरे में टिका दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को खराब भोजन, गंदगी तथा असुविधाएँ की में इतनी शिकायत थी जितनी वहाँ फैली हिंसा या मारपीट से। मकान मालकिन अपने बच्चों को नियमित रूप से पीटा करती थी और उसे स्वयं भी अपने पति की पिटाई सहनी पड़ती थी। तब उसके मित्र यूरी ने उसे समझाया कि तुम कम से कम सभ्य लोगों के बीच अपने स्वतंत्र घर में रह रहे हो। पर अल्बर्ट आइंस्टाइन को वहाँ से नफरत हो चुकी थी। उसे भय था कि वह परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। अल्बर्ट ने यह बात अपनी चचेरी बहन एल्स को बताई, जो आमतौर पर बर्लिन में रहती थी, यानी कि जगह का नाम है बर्लिन। बहन बोली, मुझे विश्वास है कि कोशिश करो तुम पास हो जाओगे। तुमसे कहीं अधिक मंदबुद्धि बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं। तुम्हें तो परीक्षा में तोते की भांति रटी रटाई बातें ही लिखनी हैं। यह बात नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन विषयों को समझ नहीं पाता था, पर यह बात थी कि उसकी रुचियाँ भिन्न थीं। स्कूल में विज्ञान पर बहुत कम से कम ध्यान दिया जाता था, फिर भी अल्बर्ट भूविज्ञान पर लिखी पुस्तकें पढ़ता रहता था। उसकी रुचि विज्ञान में थी। विज्ञान की पढ़ाई के साथ साथ उसका शुगल या संगीत, वह नियमित रूप से वायलिन बजाता रहता था। यानी उनकी रुचि विज्ञान में थी, भूविज्ञान में थी, और जो संगीत था वो वायलिन बजाने में उनकी रुचि थी। म्यूनिक में छः महीने अकेले बिताने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा कि यहाँ से वह चला जाए। वह अपने पिता का पैसा तथा समय वहाँ रहकर सब कुछ नष्ट कर रहा है। वह मिलान जाने का इच्छुक था, एक जगह का नाम है मिलान, वहाँ जाना चाहती थी अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसके पिता माता जहाँ पर रहते थे, उसे भय था कि पिता उसे वापस भेज देंगे। इसीलिए अल्बर्ट को स्कूल छोड़ने के लिए एक बहाने की ज़रूरत थी। वह चाहता था कि कोई डॉक्टर कह दे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बीमार है तथा उसे तुरंत म्यूनिक से बाहर ले जाना चाहिए। क्यूरी ने मदद करने का वायदा किया। वह अल्बर्ट को डॉक्टर अर्नेस्ट बेल के पास ले गया, जो तांत्रिक रोगों के विशेषज्ञ थे। क्यूरी ने समझा दिया कि डॉक्टर के सामने सही तथ्य ही रखना, तुम क्यों यहाँ दुखी हो, यहाँ ढोंग मत करना कि तुम बीमार हो जाओगे। यूरी ने अल्बर्ट को संसार का सबसे बुरा झूठ बोलने को कहा। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन
उस युवा डॉक्टर के पास गया जिसने कहा कि तुम बीमार पड़ने के बहुत निकट पहुंच चुके हो। बस यह बात लिखकर देने के लिए राजी हो गया। पर उसने जानना चाहा कि तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे। एल्बर्ट ने बताया कि वह मिलान जाएगा जहाँ उसके माता पिता रहते हैं। वहाँ वह किसी इटालियन कॉलेज में प्रवेश ले लेगा। पर तुम्हें किसी संगठन में प्रवेश मिलेगा कैसे जब तुम्हारे पास डिप्लोमा नहीं होगा, डॉक्टर ने पूछा। एल्बर्ट को अपने गणित शिक्षक की सहायता पाने की पूरी आशा थी कि उसके मैथ के टीचर उसकी पूरी हेल्प करेंगे। एल्बर्ट ने स्कूल में पढ़ाया जाने वाला सारा गणित सीखा तथा उससे भी अधिक। डॉक्टर वेल ने सर्टिफिकेट दे दिया तथा अपनी शुभकामनाएं भी दीं। इस सर्टिफिकेट से एल्बर्ट को 6 माह के लिए छूट मिल गई। वह चाहे तो इच्छा अनुसार डिप्लोमा लेने के लिए पुनः म्यूनिक आ सकता था। फिर एल्बर्ट अपने गणित शिक्षक के पास गया। उन्होंने साहस यानी खुशी के एक पत्र दे दिया। बहुत प्रशंसक पत्र था, बहुत ही प्रशंसापूर्ण पत्र था। उसने लिखा कि एल्बर्ट अपने विषयों में बहुत प्रखर बुद्धि वाला है। वह उच्च श्रेणी की गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है। शिक्षक जानते थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन उस स्कूल में ठहरेगा नहीं, वरना लौट के आएगा। यहाँ वह अपना समय नष्ट करेगा। एल्बर्ट को प्रधानाचार्य ने बुला लिया। एल्बर्ट को लगा कि उसे पुनः अपने गलत व्यवहार और आलसी पढ़ने के लिए दंड दिया जाएगा, पर प्रधानाचार्य ने उसे स्कूल से निकाला नहीं, उसे अनुमति दे दी कि वह स्वयं ही स्कूल छोड़कर चले जाओ। उसके विरुद्ध आरोप यह था कि वह सदैव विद्रोह करता रहता था तथा शिक्षक को ना तो पढ़ने देता था और ना ही छात्रों को पढ़ने देता था। ना तो शिक्षक को पढ़ाने देता था, ना ही छात्रों को पढ़ने देता था। एल्बर्ट ने उन्हें बताया कि मैं तो स्वयं ही यहाँ से छोड़कर जाना चाहता हूँ। वह स्कूल से बाहर तन कर निकल आया, जहाँ उसने 5 वर्ष मुश्किल से काटे थे। यूरी ही म्यूनिख में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसे अलविदा कहने आया था। फ्रेंड्स, इस पार्ट को हमने कवर कर लिया है। इस पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर को हम स्नैपशॉट के सभी क्वेश्चन आंसर्स के साथ कवर करेंगे जो एक वीडियो में हो चुकी। फ्रेंड्स, यदि आपको यह चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।